तो गाइज़ अगर आप लोग अभी BGMI मोबाइल डेटा या फिर वाईफाई से नहीं चल रहा है, गेम बिल्कुल भी नहीं खेल पा रहे हो, तो फिर इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करना, वरना फिर आप ही लोग मेरे को कमेंट करके बोलोगे कि भाई कैसी ट्रिक बताए, ये बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही है। बहुत कॉमन सी चीज़ें बताऊँगा, बीच में अगर आपने स्किप कर दिया तो फिर आपका गेम जो है वो बिल्कुल भी नहीं चल सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मोबाइल डेटा जो यूज़ करते हैं उनके लिए स्पेशली मैंने एक वीडियो डाल रखा था जिस पे 1.2 लाख कुछ व्यू भी हैं, और वो एक वर्किंग ट्रिक है, सबके में वर्क कर रही है। लेकिन कुछ बंदे ऐसे जिनके में वो ट्रिक वर्क नहीं कर रही है, वो अगर अपनी APN सेटिंग से छेड़छाड़ करते तो उनका जो नेटवर्क है वो उड़ जाता है और नेटवर्क नहीं आता है। तो पहले तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप मोबाइल डेटा यूज़ कर रहे हो तो जो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको APN सेटिंग दिख रही है, APN प्रोटोकॉल और APN रोमिंग प्रोटोकॉल, इन दोनों को आपको IPv4 पे ही करना है और इस APN सेटिंग को सेव करना है। अगर आपके में नेटवर्क आ जाता है तो गेम आपको रन करके देखना है, नेटवर्क नहीं आता है तो एक से दो बार एयरप्लेन मोड पर डाल कर देख लेना, नहीं आता है नेटवर्क तो फिर ये वाली वीडियो पूरी एंड तक देखना, और अगर नेटवर्क आ जाता है तो आपको फिर ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आपकी प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। तो अब मैं बात करता हूं उन बंदों की जिनके में नेटवर्क नहीं आता है, या फिर जो बंदे वाईफाई से खेल रहे हैं, वाईफाई प्लस मोबाइल डेटा, गेम ओपन नहीं हो पा रहा है, तो आपको उस केस में क्या करना है। तो गाइस देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहां पे आपको सर्च कर देना है SHADOWSWITCH, बिना किसी स्पेस के आपको शेडो स्विच सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद यहाँ सबसे पहली एप्लीकेशन आपको देखने के लिए मिलेगी शेडो स्विच एप्लीकेशन। ध्यान से इस एप्लीकेशन को देख लेना, यही एप्लीकेशन आपको अपने फ़ोन के अंदर जो है इंस्टॉल करनी है। तो यहाँ पे मैं इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहा हूँ। लोगो इस एप्लीकेशन का देख लेना, वाइट कलर का लोगो है और एक पंख जैसा लगा हुआ है। कोई और एप्लीकेशन मत करें ना इसके चक्कर में, यही वाली एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करनी है, और जैसे इंस्टॉल हो जाएगी तो आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो यहाँ पे हम अपनी एप्लीकेशन को आपको ओपन करके दिखा देते हैं कि उसके आगे आपको क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ से वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। एप्लीकेशन जैसे ही ओपन करोगे तो एप्लीकेशन का होम पेज आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, सब ब्लैक एंड वाइट होगा। नीचे यहाँ पर ऑरेंज कलर में एक वीडियो की बटन दिखेगी, आपको इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहला स्टेप, इस बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एक आपके पास पॉपअप आएगा, इसमें लिखा होगा कि एक ऐड देखकर आपको 25 मिनट फ्री एक्सेस मिलेगा किसी भी सर्वर से। तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, अगर आप एक ऐड वॉच करते हो तो आपको 25 मिनट का एक्सेस मिलेगा किसी भी सर्वर से, ठीक है। अगर आप BGMI एक घंटे या दो घंटा खेलते हो तो आप चार ऐड वॉच कर लेना तो आपको यहाँ पे एक से दो घंटा एक्सेस मिल जाएगा। तो जैसे ही आपका यहाँ पे एक्सेस मिल जाने की आपका टाइम इकट्ठा हो जाए, जैसे मेरा 25 मिनट हो गया है यहाँ पे देख सकते हो, तो उसके बाद आपको ऊपर राइट साइड पे एक जापान का फ्लैग दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस फ्लैग के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे एक सर्वर लिस्ट खुल जाएगी। अब यहाँ पे जो मुंबई का है, ठीक है, नीचे वाली रो में आप सेकंड रो में फर्स्ट वाला देख रहे होगे, मुंबई का है, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। और उसी के नीचे एक बटन आपको दिख रही होगी, इस बटन को आपको ऑन कर देना है। तो जैसे ही आप इस बटन को ऑन कर दोगे तो आपके पास एक कनेक्शन रिक्वेस्ट आएगी, एक पॉपअप तरीके का आएगा। तो आपको क्या करना है, इसको आपको ओके कर देना है। कैंसिल करोगे तो कनेक्ट नहीं होगा, ओके कर देना है। ओके करते ही जैसे ही आपका जो बैकग्राउंड है ब्लैक एंड वाइट से ब्लू हो जाएगा तो समझ लेना कि आपकी एप्लीकेशन वर्क करना शुरू हो गई है। अब आपको क्या करना है, अब आपको एप्लीकेशन को बैकग्राउंड से नहीं हटाना है, सिर्फ एप्लीकेशन को मिनिमाइज़ या फिर इसको यहीं से बीच वाली बटन से आपको बंद कर देना है, और उसके बाद आपको जो है अपना गेम चालू करना है। अब ये दोनों चीज़ में वर्क करेगी, चाहे आप मोबाइल डेटा यूज़ कर रहे हो, चाहे आप वाईफाई यूज़ कर रहे हो, दोनों केस में ये जो है एप्लीकेशन वर्क करने वाली है और आपका BGMI जो है वो अच्छी तरीके से चलने वाला है। कुछ भी आपको पिंग प्रॉब्लम नहीं देखने के लिए मिलेगा। जितना आपका नेटवर्क डिपेंड, जितना आपके नेटवर्क देता था पिंग, उतना ही आपको पिंग मिलेगा, और हो सकता है उससे नीचे ही मिल जाए, ऊपर आपको नहीं मिलेगा। अब मैं बात कर देता हूँ उन बंदों की जो कि आउट ऑफ इंडिया हैं। आउट ऑफ इंडिया के लिए इस VPN में हाई पिंग मिल सकता है, क्योंकि आप आउट ऑफ इंडिया हो। उनके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा कि उनके लिए कौन सा VPN बेस्ट रहेगा, कम से कम पिंग जिस पे मिल पाएगा। अब इस वीडियो की बात करते हैं, तो आप लोग यही सोच रहे होंगे कि ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये तो एक तरीके का ऐसे है कि हम गेम खेल पाएंगे, हमारा काम चल जाएगा। तो गाइस अगर आपको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो जो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने ट्रिक बताई थी वो ट्राई करना, वो एक परमानेंट सॉल्यूशन है। अगर उससे भी आपका नहीं होता है, मोबाइल में नेटवर्क नहीं आते हैं,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप सिम कार्ड यूज़ कर रहे हो, मोबाइल डेटा यूज़ कर रहे हो और प्रॉब्लम आ रही है BGMI खेलने में, तो आपको अपना सिम कार्ड चेंज कर देना होगा। अगर जियो से प्रॉब्लम आ रही है तो एयरटेल का ले लो या VI का ले लो या BSNL का ले लो, खाली आपको चेंज करना है। और एक बात याद रहे, पोर्ट बिल्कुल भी मत करवाना, पोर्ट करवाओगे तो यही इशू दोबारा आ जाएगा। और दूसरा बात करता हूँ वाईफाई वालों का, कि वाईफाई पे खेलते वक्त अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है और आपको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, तो आप अपना राउटर या फिर जो भी नेटवर्क आप यूज़ करें उसको आप चेंज करवा लो। एयरटेल का वाईफाई लगवा रखा है, जियो फाइबर लगवा लो या और किसी कंपनी का लगवा रखा है, तो कोई दूसरे वाईफाई पे शिफ्ट कर लो, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि ये आपके डिवाइस की प्रॉब्लम नहीं है, ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से प्रॉब्लम है, जो कि IPV6 कोड नहीं कर पा रहे हैं, सॉरी IPV4 आपके मोबाइल में आपके डेटा में नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि BGMI IPV4 सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है, IPV6 पे तो करो ना करो उस पे कोई मतलब नहीं है, लेकिन BGMI को IPV4 नेटवर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और आपके जो सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको IPV4 जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आपका BGMI जो है प्रॉब्लम दे रहा है। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे, परमानेंट सॉल्यूशन आपका यही रहेगा। और अगर नहीं चेंज करना है तो आप फिर ये वाली ट्रिक यूज़ करो, बढ़िया गेम चलेगा, एक बार ट्राई करके देखो, कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके मेरे को ज़रूर बता देना। तो गाइज बस ये था आज की इस वीडियो में, होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों से मेरा जय श्री राम और सभी लोगों से मेरा धन्यवाद।